नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा है ये, जब भी जहां पर भी जाती हैं हर किसी का दिल लूट लेती हैं ये। जी हाँ, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं माधुरी दीक्षित का। लेकर माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जिनकी एक्टिंग से लेकर उनके डांस का हर एक शख्स दीवाना है। मगर क्या आप जानते हैं जो माधुरी अक्सर ही हंसती और मुस्कुराती रहती है, उसी माधुरी के परिवार से जुड़ा एक बड़ा राज सामने आया है। माधुरी दीक्षित की एक तस्वीर आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर माधुरी दीक्षित के साथ उनके बेटों को देखा जा रहा है और बेटे किस तरीके से माधुरी के साथ यहां पर व्यवहार कर रहे हैं साफ तौर पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। हम यहाँ पर अब आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि घर पर अपने बच्चों का कैसा बर्ताव माधुरी दीक्षित सहती है, किस तरीके से माधुरी दीक्षित जो है कहीं ना कहीं कहा ये जाता है कि उनका जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा जो है जिद्दी है। कई बारी ऐसी वीडियो सामने आती है जहां पर माधुरी मीडिया के सामने उन्हें पुकारती हैं मगर वो किसी की नहीं सुनते हैं और वो चुपचाप से चले जाते हैं, कैमरे पर भी नहीं आते हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये देखने को रहा है कि माधुरी का अपने बेटों के साथ जो व्यवहार है वो शायद ठीक नहीं है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दीक्षित परिवार में किस तरीके का बर्ताव माधुरी दीक्षित सह रही हैं। कहते हैं कि जरूरी नहीं हर हंसता हुआ चेहरा सुखी हो। जी हाँ, बॉलीवुड की तमाम ऐसी हसीनाएं हैं जो अपने गम को छुपाती हैं अपनी हंसी के पीछे। ऐसे में हम यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हैं और माधुरी दीक्षित जो है काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। उनके डांस के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जो है वो फैंस के बीच अपनी जगह को बना चुकी है। माधुरी ने तमाम सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम की हैं और बीते दौरान ही माधुरी की कुछ महीने पहले ही फिल्म कलंक भी बॉक्स ऑफिस पर आई थी। हालांकि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन तो नहीं कर पाई मगर हाँ, इस फिल्म में माधुरी की एक्टिंग की तारीफ की गई। मगर क्या आप ये जानते हैं कि माधुरी दीक्षित के साथ उनके परिवार में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है? दरअसल माधुरी दीक्षित के दो बेटे हैं, आर्यन नैने और रियान नैने। तो आपको बता दें कि तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं, तमाम ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिसमें माधुरी के बड़े बेटे रियान नैने जो हैं कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के से काफ़ी ही नाराज़ भी देखे जाते हैं। और बीते दौरान जो है माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ एक मूवी थिएटर में पहुंची थी जहां पर रियान नैने को देखा गया था, मगर रियान नैने मीडिया को देखकर कुछ इस कदर भागे कि माधुरी दीक्षित उन्हें पुकारती रह गई मगर उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। यानी कि कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो उनकी हर एक शख्स इज्जत करता है मगर अगर घर की बात करें तो बच्चों के साथ थोड़ी नोक झोंक जो है माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी में चलती रहती है। ये साफ तौर पर तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो इनकी गवाह है। और साफ तौर पर भी देखा गया है कि उनके बेटे जो हैं माधुरी दीक्षित से थोड़े कई बारी खफा भी देखे जाते हैं। हालांकि इस नाराज़गी, इस खफापन के पीछे की वजह क्या है ये तो कोई नहीं जानता है मगर जितनी भी तमाम वीडियो सामने आती हैं आप लगातार देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर माधुरी अपने बेटे को पुकार रही हैं कि वो मीडिया के पास आए, मीडिया के सामने आके फ़ोटो खिंचवा लें मगर वो नहीं आते हैं। और एक वीडियो में तो माधुरी दीक्षित मीडिया को देख कर कहती है कि जस्ट इग्नोर हिम। अब ऐसे में साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं तय हो गया है कि जिस तरीके से बच्चे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स के साथ कई बारी जो है उनके थॉट्स मैच नहीं करते हैं जिसको लेकर जो है रिश्तों में दरार भी आ जाती है, जो साफ तरीके से माधुरी और उनके बेटे के बीच में भी देखा जा रहा है। अगर हम पति नैने की बात करें तो पति नैने एज ए हस्बैंड काफ़ी ही शानदार व्यक्ति हैं और माधुरी से भी वो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मगर अगर बच्चों की बात करें तो ऐसा हम नहीं यहाँ पर कहेंगे कि बच्चे अपनी माँ से प्यार नहीं करते हैं मगर हाँ, कई चीज़ों को लेकर जो है तमाम बारी ऐसा हो जाता है कि हमारे थॉट्स हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, जो ऐसा साफ तौर पर दीक्षित परिवार में होता देखा जा रहा है।